कंगना रनौत और आदित्य पंचोली के बीच में काफी वक्त से एक लीगल बैटल चलता आया है और अब इस लीगल बैटल में आया है एक नया ट्विस्ट। बिल्कुल, आदित्य पंचोली ने एक वीडियो रिलीज करके ये क्लेम किया है कि उन पर जो FIR फाइल किया है कंगना और रंगोली चंदेल ने, दैट इज प्रीमेडिटेटेड। लेट्स हैव अ लुक एट द वीडियो। मीटू का किसने बोला, कंगना ने बोला कि रंगोली ने बोला? दोनों का है ना कहना, तो दोनों का कहना ना हो तो मीटू नहीं, एक्चुअली मीटू तो इज अ वेरी, मीटू इज मोर लाइक कास्टिंग काउच थिंग। अच्छा, दिस इज नॉट मीटू, दिस इज बियॉन्ड दैट। मीटू इज कास्टिंग काउच, सो दिस इज व्हाट, दिस इज रेप केस। अच्छा, दिस इज अ रेप केस ना, दिस नॉट मीटू। मीटू तो कोई छोटा सा है, मीटू तो मीडिया रिलेटेड अशोक पंडित के पास जाएगा, वो भी दोस्त है मेरे यार अशोक पंडित, वो दिस नॉट मीटू। मीटू इज समथिंग मिस, मीटू क्या होता है कि प्रोडक्शन हाउस वाले, वो अलग है, कास्टिंग क्या है, ये प्रॉपर रेप। अच्छा, प्रॉपर रेप, फोर्सफुल ना, एनी काइंड ऑफ अ फोर्स रिलेशनशिप इज 376 रेप, प्रॉपर रेप का है। तो ये कौन फाइल करेगा, कंगना करेगी, रंगोली करेगी, अलग डायरेक्शन में जा रही थी मीटू बेसिकली, मीटू मगर ये अलग मीटू हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ये उससे भी बड़ा हो जाएगा, अपने वो क्या नाम है जो थोड़ा ओल्ड मैन का कैरेक्टर करते हैं, नाम ही भूल गया उनका, अलोकनाथ, अलोकनाथ, नाना पाटेकर वाले में ही था आदित्य, वो उसमें मैं ही था उसका लॉयर, क्या नाम है, तनुश्री में। तो ये उससे भी बड़ा करने के चक्कर में, ये बहुत बड़ा हो जाएगा भाई ऑटोमेटिकली। और मैं आपको बोल रहा हूँ, देखिए इज अ वेरी गुड मैन एंड आई नो हिम पर्सन, बट इतफाक से क्या है कि बिकॉज ही इज बीन वेरी ओपन वोकल अबाउट वॉट एवर ही डज, इट विल गो बैक फॉर हिम, इट विल गो बैक फॉर, आई डोंट वांट टू बैक। मैं आपसे कहना चाहती हूं, जिस तरह की लड़की, जिस तरह की डेयरिंग है, उसके साथ कोई फोर्स, देखिए मैं आपको बताऊँ, आप देखिए हम लोग चार दीवारी में आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, मगर देखिए मैं वकील हूँ, 22 साल से वकालत कर रहा हूँ, मुझे पता है, और इंडस्ट्री का हूँ मैं, मुझे इंडस्ट्री में पता है कैसे होता है और किस हद तक जाता है, और आप लोग खुद सेलिब्रिटीज हैं, यू नो, आप आम आदमी तो चले फर्क भी नहीं पड़ता, कोई पूछता भी रातों रात निकल गए बात, और इनका क्या बोलते हैं भाई का क्या कि अग्रेशन ज्यादा है ना, तो लोग इनको ये समझते कि भाई ये करते ही उल्टा सीधा, इनका इनका इंप्रेशन कि भड़क जाते हैं जल्दी, ये गुस्से में आ जाते हैं जल्दी, तो वो बैकफायर होगा। तो मैं नहीं, और मैं इसीलिए जमीन को बोला था भाई कुछ भी करके बात करो, आई डोंट, इज अ नाइस मैन, आई टोल्ड हिम ही इज अ नाइस मैन, आई नो हिम पर्सनली, बिकॉज इनके इधर जितने भी दोस्त हैं सब मेरे भी दोस्त हैं। अभी इतफाक से मैं अभी सुमित भाई के साथ मेरी मुलाकात होगी, सुमित सेकल के साथ, वो भी तो आपके दोस्त हैं, तो आई नो सुमित भाई फॉर लास्ट 10-15 ईयर। गुस्से का मतलब ये थोड़ी कि आदमी रेप कर सकता। आपकी बात भाई सही है, मगर ये चार दीवारी का सब्जेक्ट नहीं ना भाई, ये दुनिया बकवास करेगी ना। देखिए क्या क्या हो गया, मैं जमीर से भी बहुत दिन से बात कर रहा था, इतफाक से क्या हुआ क्या कि जो बैकग्राउंड की वजह से चीज ऑल्सो गॉट डिस्टर्ब, बिकॉज वो पुलिस वाले का मैसेज आ रहा है घड़ी घड़ी, मुझे मैसेज आ रहा है कि भाई बुलाइए उनको, और लेटर आ रहा है उनको कि बुलाइए स्टेटमेंट के लिए, क्योंकि आपका भी जाहिर सी बातें प्रेशर होगा वहाँ पे। आप लोग बात करो, मैं एक मिनट जी। तो आदित्य भाई का भी प्रेशर था, तो वो अपसेट इसीलिए है कि देखिए सबसे पहली बात तो मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ तो कोई सही नहीं हुआ, मतलब मेरे जो भी अभी उनकी फीलिंग है कि भाई मेरे साथ जो भी हुआ सही नहीं गलत हुआ, ऊपर से वो मुझे परेशान करे, मुझे प्रेशर डाल रहे, अगर वो ज्यादा कानून कानून करे तो मैं भी कानून कानून करूँ, फिर मैं भी उनके ऊपर यू नो डाल दूँ केस, जो भी केस चल सके, बताया था इनको रेप वाला केस, हाँ जी रेप वाला, बिकॉज उसमें कितना टाइम, मतलब कि आदित्य भाई ने कंगना का रेप किए थे कि फोर्स्ड रिलेशनशिप था, तो फोर्स्ड रिलेशनशिप इज एज गुड एज रेप, तो इट फॉल्स अंडर द डेफिनेशन, जमीर भाई बताएंगे आपको, मैं मेरे अच्छे जमीर भाई से पूछेंगे तो आपको बताएंगे। फोर्स रिलेशनशिप था ना, वो बोलती हैं कि फोर्स था, मेरे पे प्रेशर था, मेरे से जबरदस्ती होती थी, मेरे से हाथापाई होती थी, इंसिडेंट रिपोर्टेड भी है मीडिया में कि हाथापाई हुई है। खैर अभी मैं उसमें नहीं घुसना चाहता, अभी बहुत नहीं, कौन आपको कौन बोल रही थी जी, रंगोली बोल रही थी या कंगना बोल रही थी? नहीं, मैटर जो केस फाइल होगा रंगोली के थ्रू फाइल होगा। जैसे कि वीडियो में दिख रहा है, इट्स लुकिंग लाइक दैट रिजवान सिद्दीकी जो कि लॉयर हैं कंगना और रंगोली के, ही इज टेलिंग आदित्य पंचोली दैट शी इज अनॉयड राइट नाउ लाइक अ नॉर्मल पर्सन वुड बी, क्योंकि आदित्य पंचोली ने आफ्टर कंगनाज इंटरव्यू उनके ऊपर डेफामेशन केस किया है, एंड शी इज अनॉयड कि अगर आप लॉ का सहारा लेंगे तो मैं भी लॉ का सहारा लेकर आपके ऊपर रेप केस कर सकती हूँ, एंड दैट्स द कॉन्वर्सेशन दैट्स गोइंग ऑन दैट यू कैन मेक आउट फ्रॉम दैट वीडियो। एब्सोल्युटली, और आदित्य पंचोली ये क्लेम कर रहे हैं ये वीडियो रिलीज करके कि वो रिजवान सिद्दीकी को मिले थे ऑन January 6th, और ये जो स्टिंग ऑपरेशन उन्होंने किया था, इस वीडियो को उन्होंने फॉरेंसिक लैब में दिया था टू गेट इट वेरिफाइड कि ये डॉक्टर नहीं है, ये एडिटेड नहीं है, ताकि वो कोर्ट में इसे पेश कर सके, और उन्होंने ये कोर्ट में पेश किया एज एन एविडेंस अंडर द एविडेंस एक्ट। और जैसे कि आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन एज वेल, एक स्क्रीन शॉट उन्होंने प्रोवाइड की है ऑफ अ व्हाट्सएप, जहां पर कंफर्म किया जा रहा है कि ही इज मीटिंग रिजवान सिद्दीकी। तो ये तय है कि वो मिले थे ऑन January 6th
विद हिम और ये जो स्टिंग ऑपरेशन है वो उन्होंने किया था ऑन रिजवान. एग्जैक्टली. इनफैक्ट टाइम्स नाउ के कॉरेस्पॉन्डेंट ऑल्सो एक्सक्लूसिवली स्पोक टू आदित्य पंचोली और उनसे उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि ये जो पूरा बैटल चल रहा है इन दोनों के बीच में, वेयर डिड इट जर्नी स्टार्ट अंटिल द टाइम रंगोली ने ये रीसेंट FIR उनकी तरफ उनके लिए लॉन्च किया है. सो लेट्स हियर इट फ्रॉम आदित्य पंचोली दैट हाउ थिंग्स हैव अनफोल्डेड इन द whole episode. This matter goes back to the things that we are talking about. This is of 6th of January when you met Rizwan. No. The matter, I'll take you much behind. Sir, this whole thing happened. Okay. Done. Okay. This whole thing started in the year 2017. Okay. Where if you have seen, she gave two interviews, one for Barkhadat ji. Okay. And the other for Rajat Sharma ji. Okay. उस नेशनल प्लेटफॉर्म पे इसने मेरे और मेरे फैमिली के खिलाफ और बहुत से लोगों के खिलाफ, वो तो छोड़ दिया, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं. स्पेशली मैं और मेरी फैमिली के खिलाफ इसने बहुत सी ऐसी ऐसी एलिगेशन लगाई है जो सरासर झूठ है. ओके. ठीक है. तो उसके बाद में मैंने और मेरी वाइफ जरीना ने कंगना और रंगोली के खिलाफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में डिफेमेशन केस फाइल किया 2017 सितंबर. ओके. ठीक है भैया. ओके. उसके बाद में सीधा हम आते हैं 14 दिसंबर को. Okay. या मिड दिसंबर में कहीं रिजवान सिद्दीकी का मुझे फोन आता है. ठीक है. ओके. Okay. रिजवान सिद्दीकी मुझे कहता है कि मुझे मिलना है. तो मैं बोला किस बात के लिए मिलना है, ये है वो है वो. हाँ. मैं आपको मिलना चाहता हूँ ऐसा वैसा. फाइनली 6th of January 2019 को रिजवान मेरे घर आए और मैं और मेरी वाइफ उस मीटिंग में थे. ओके. और मुझे और मेरी वाइफ को खुले आम उन्होंने बड़े प्यारे प्यारे तरीके से धमकी दी कि देखिए अगर आप कानून करोगे तो हम भी कानून का सहारा लेंगे और आप भी कानून करेंगे. Okay. और हम आपके ऊपर रेप केस दर्ज करेंगे कि आदित्य ने कंगना का रेप किया है. और बहुत वो 20 मिनट का है मेरे पास क्लिप जिसको कि मैंने फोरेंसिक लैब से एक एक्सपर्ट से एविडेंस एक्ट ऑफ इंडिया सेक्शन 65B में सर्टिफिकेट भी मंगवा लिया है कि ये कहीं डॉक्टर्ड नहीं है. Okay. ये कहीं एडिटेड नहीं है, ये जो 18 या 20 मिनट का जो भी वीडियो है. ठीक है. तो मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली. ओके. ये सब बात की. ठीक है. उसका मैंने फिर एविडेंस सर्टिफिकेट बनाया. ठीक है. और 10th of April 2010 को हमारी तारीख थी. मैं और जरीना मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में गए अंधेरी में. वहां मेरा स्टेटमेंट चल रहा था और मैंने स्टेटमेंट में जज साहब को ये बताया कि इस स्टोरी में एक नया ट्विस्ट आया है. तो उन्होंने पूछा क्या ट्विस्ट है. मैंने कहा कि इनके लॉयर रिजवान सिद्दीकी मेरे घर पे आया और मुझे इस तरह की धमकी दी है कि कानून आप करोगे तो कानून हम भी करेंगे, हम आपके ऊपर रेप का केस डालेंगे. तो मैंने वो जो पेन ड्राइव थी और वो जो सर्टिफिकेट था 65B का, वो मैंने जज साहब को दे दिया एविडेंस एक्ट में. अब आगे सुनिए. 25 अप्रैल को मैं घर पे आराम से बैठ के चाय पी रहा था और एक वर्सोवा पुलिस स्टेशन से एक ऑफिसर आए और मेरे स्टाफ ने मुझे बताया कि कोई वर्सोवा पुलिस स्टेशन से आया. तो मैंने कहा तुमको अंदर ले लो. उन्होंने मुझे एक लेटर दिया और लेटर में लिखा था कि कंगोली रनौत हैज फाइल्ड एन एप्लीकेशन अगेंस्ट आदित्य पंचोली एंड जरीना वहाब, सो प्लीज रिपोर्ट टू वर्सोवा पुलिस स्टेशन विद इन 7 डेज. 7 डेज को छोड़िए, मैं 15 मिनट में पहुंच गया वहां. मैं आयो को मैंने पूछा मुझे बताइए क्या कंप्लेंट, और कंप्लेंट ये थी कि फाइल एन FIR अगेंस्ट आदित्य पंचोली बिकॉज रंगोली ने FIR किया, अपना कंप्लेंट किया या एप्लीकेशन किया कि फाइल एन FIR अगेंस्ट आदित्य पंचोली बिकॉज ही रेप्ड माय सिस्टर 13 years back. ओके. ठीक है. तो मैंने आयो को जो मेरे पास जो रिकॉर्डिंग थी वो बताई और उस सर्टिफिकेट दे दिया. ओके. और मैंने अपना स्टेटमेंट 11 मई को दे दिया. ओके. अब ये दो बहनें स्टेटमेंट देने नहीं आ रही है या शायद बिजी है या पता नहीं क्या है. ओके. ये तो ये वर्सोवा पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेट करेगी तो ही पता चलेगा. सो मिस्टर पंचोली, यू मीन टू से दैट द लॉयर रिजवान सिद्दीकी हु रिप्रेजेंट्स कंगना एंड रंगोली हैज कम टू यू एंड हैज आस्क्ड यू टू टेक बैक द डिफेमेशन केसेस और एल्स दे विल फाइल अ रेप केस अगेंस्ट यू एंड बिकॉज यू डिडंट टेक बैक दोज डिफेमेशन केसेस द एप्लीकेशन वॉज मूव्ड इन वर्सोवा पुलिस स्टेशन एंड दिस इज premeditation. Okay. This is framing someone in a rape case. Okay. Which is so it is the most heinous crime on the face of this earth. Okay. 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 If I didn't have this video or I didn't do this thing operation
my wife, my family, what would I tell them? Yeah, मैंने ले रखा है. मैं सिर्फ उनको समझा सकता था. What would I tell the whole world? Okay. How could I explain myself? And this is no way. If women take advantage of law like this, then the real victims will suffer. Okay. This is not the way. As we heard in the phone call, एक चीज तो बहुत clear है कि आदित्य पंचोली का ये कहना है that this whole FIR that has been lodged against him, this whole thing has been premeditated. और ये उनका clear कहना है कि अब उन्होंने ये सारे evidence जो है वो court को दे दिए हैं, police को दिया है और अब media में भी release कर दिया है, तो अब जो है पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी है एंड द मैटर हैज बिगन. द मैटर इज सब जुडिस एंड इनफैक्ट जब जूम ने एक्सक्लूसिवली बात करने की कोशिश की कंगना और उनकी टीम से, उनकी तरफ से रिप्लाई आया है नो कमेंट्स, दे डू नॉट वांट टू कम बैक टू अस ऑन दिस राइट नाउ. बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट एग्जैक्टली इज द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, क्योंकि अभी सिर्फ वन साइड ऑफ द स्टोरी बाहर आया है, सिर्फ एक ही साइड जो है वो मीडिया से बातें कर रहा है एंड इट्स नॉट फेयर टू पुट आउट योर जजमेंट्स टिल यू डोंट नो द अदर साइड ऑफ द स्टोरी येट कि एग्जैक्टली क्या हुआ है. ऑल्सो रिजवान सिद्दीकी को पूछा जाएगा आई एम श्योर कि आपने जो ये कहा है, व्हाट एग्जैक्टली वाज योर नैरेटिव एट दैट पॉइंट. सो बहुत सारे सवाल अब खड़े हुए हैं. बस एक ही दरख्वास्त है कि लेट्स नॉट जज एनीवन बिकॉज दीज आर सीरियस एलिगेशंस एंड इट विल हैव टू टेक इट्स कोर्स.